subscribe to Cartoon Central, the favorite channel for kids. 'इसकी अम्मी की आवाज़, उसके कानों में, पड़ी, उठो बेटा। मेरा नाम अस्मा गुफरान है, मैं A1 गर्ल्स हाई स्कूल लाहौर में पढ़ती हूँ। जब भी हमें छुट्टी होती, हम शोर मचा के धक्का लगा के क्लास में से निकलते। इस तरह भागने से मेरे दो दोस्तों को चोट भी लगी। फिर हमारी टीचर ने हमको रोका और लाइन बना के हमको चलने को कहा। ऐसे नहीं बेटा, वापस आओ, शाबाश, सब वापस आओ। पता है ना, भाग के अगर जाएंगे तो चोट लग सकती है ना। लाइन बनाना अच्छी बात है, इसे हम जल्दी पहुंचते हैं, इसे किसी को चोट भी नहीं लगती। आए अस्मा, आप आए इश्मल इसके पीछे। जी जहां से हमजा, आपको पता है ना दौड़ने से चोट लग सकती है। लाइन बनाना अच्छी बात है, शाबाश, और हम सबको लाइन में चलना चाहिए। मेरा नाम विद्या है, मैं नगर पाकर सिंध में रहती हूँ। ये मेरा घर है और ये मेरा खानदान है। मैं यहाँ अपने अम्मी अब्बा, दादा दादी, चच्ची चच्चा और ताया के साथ रहती हूँ। मेरी अम्मी सिलाई कढ़ाई करती हैं। मैं अपनी अम्मी का हाथ बटाती हूँ। मेरी अम्मी और चाची खाना पकाती हैं। फिर हम सब घर वाले साथ मिलकर खाना खाते हैं। हम सब साथ रहते हैं। काम कोई जब करे तुम्हारे लिए, मुस्कुरा कर कहो शुक्रिया। शुक्रिया सुन के खुश होता है दूसरा, उसको लगता है काम उसने अच्छा किया। काम कोई जब करे तुम्हारे लिए, मुस्कुरा कर कहो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। ओहो, वालेकुम अस्सलाम। मास्टर जी, जी हम हमेशा एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम क्यों कहते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है रानी, क्योंकि हम एक दूसरे की खुशी चाहते हैं। सलाम का क्या मतलब होता है? सलाम का मतलब होता है कि आप सलामत रहो। और दूसरा वालेकुम सलाम कहता है, तो वालेकुम सलाम का क्या मतलब होता है? वो भी चाहता है कि आप सलामत रहो। समझ आई ना? आपने जब सलाम किया तो आप चाहते हैं कि जिस शख्स को आपने सलाम किया वो सलामत रहे, और उसने जवाब में आपको कहा वालेकुम अस्सलाम, और वो जवाब में आपकी सलामती चाहता है। इस तरह सलाम करने वाला और सलाम का जवाब देने वाला दोनों एक दूसरे की सलामती चाहते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। मास्टर जी, मैंने किरण की सलामती चाही और उसने मेरी सलामती चाही। बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात है, सलाम करके इस तरह हम सारे एक दूसरे की सलामती चाहते। और आप सबको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुन्ने की पसंद। रानी, रानी, ये रानी कहाँ चली गई? इसके पास तो मेरा पेंसिल बॉक्स भी है। मुन्ना, आप मेरी मदद करोगे? जी, क्या करना है? मैं ये चीजें लाई हूँ, इन्हें अलग अलग रखना है। यहाँ भारी चीजें और वहाँ हल्की चीजें। हाँ, भारी हल्की चीजें, ये क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये भारी किताब। हाँ, और ये हल्का कागज। हाँ, ये भारी है और ये कागज ये हल्का है। ये देखो, ये भारी ट्रॉफी और ये हल्का मेडल। ये मेडल तो मेरे गले में था, ये हल्का था, और ये ट्रॉफी ये भारी थी, ये मुझे याद है। ये देखो, ये बाल्टी ये भारी है और ये पेंसिल ये हल्की। पकड़ाइए, ये लो। हल्की है, है ना? ना आप भी अपने इर्द गिर्द भारी और हल्की चीजें ढूंढिए। बड़ों की
शुक्रिया।